सत श्री अकाल सारिआं नूं, मैं कमल कुमार जस्सल टैलेंट पंजाब दी टीम पहुंची अज गोपाल महल्ले दे विच, जिथे प्रकाश आइसक्रीम बड़ी मशहूर आ, उहदे नाल इक पर फिटनेस जिम आ, बड़ा तड़ा जिम, मैं कहां मस्त जिम आ, क्या क्वालिटी आ, क्या इत्थे दे मुंडे तैयार हुंदे आ। तो मैं तुहानूं अज जिम दा व्यू दिखाउणा, जिम क्यों किया जाता, हैल्थ नूं सैट करन वास्ते। मैं सारा सिचुएशन के यही कहना कि जिम करना बहुत जरूरी है, हैल्थ नूं सैट करना बहुत जरूरी है। अगर हैल्थ सैट है तो सारे काम होंगे आ। हैल्थ नूं एक दो घंटे कटो, हैल्थ नूं सैट करना बहुत जरूरी है। जिम करो या तुसीं पार्क जाओ, गार्डन जाओ, कितने भी जाओ, लेकिन हैल्थ नूं सैट करने वास्ते जिम करना बहुत जरूरी है। और फिटनेस बहुत जरूरी है, अगर फिटनेस है तो बंदा फिट है, कहते हैं फिट है तो फिट है। तो आओ आपको दिखाते हैं जिम के बारे में, आइए जिम दिखाओ जी सारा। और देखो क्या जबरदस्त मशीने हैं। और तो मैं मिलाना तुहानू, आ जाओ जी अगे। की नाम भाई तेरा? निखिल। हाँ जी निखिल, कितने रहने वाले सर? मैं गोपाल नगर से। गोपाल नगर, कितना चिर हो गया जिम करते हैं तुहानू? भाई हो गए 3 महीने हो। क्या बात है, क्या बात, थोड़ा लगा के दिखाओ मैनू जरा, एक सेट लगा के दिखाओ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और ओके जी, थैंक यू, आ जाओ। ये केड़ी एक्सरसाइज की थी तुसी जी? ये शोल्डर दी एक्सरसाइज कर रहे हैं। लो जी, ये शोल्डर एक्सरसाइज है, शोल्डर मशीन जिन्होंने कहते हैं कि आप शोल्डर कितना मजबूत बनाने हैं। और इधर पर तुम लैके जाना है कि जिदा एज 30-40 हो जाती है तो आप ट्रैकमिन करते हैं। सर की नाम जी अपना? मजबूत करती है। थैंक यू, ओके। तो आओ तुम अगे लैके जाते हैं, बहुत घैंट जिम है, धमाका जिम है। और अगे देखो तगड़े तगड़े मुंडे में है, देखो शोल्डर शोल्डर एक्सरसाइज होते हैं, देखो क्या बात है। और इधर देखो, इनू कहते चेस्ट, चेस्ट एक्सरसाइज, और चेस्ट भी ऐसे एक्सरसाइज लगा रहे हैं, देखो तो मस्त लगता है। इधर दिखाओ, आ जाओ अगे, आ जाओ। और पूरा तेन जिम दिखाना मैं, और अगे दिखाना तेन, अगे जाओ। तो तैनू मैं स्कैर दिखा, लैक्स च पावर कि आती है, लैक्स पावर कि आती है, तो लैक्स पावर कि आती है वह मैं तुम दिखा कि जिन्हों केंद्र है स्कैर। पहले मैं तुम्हें जिम दिखाने, जिम दिखाओ जी सारा, घुमा के दिखाओ, जिम दिखाओ सारा, उपर पूरा घुमा के दिखाओ, इधर दिखाओ जिम सारे, आस्ता आस्ता सारा सारा बिल्कुल दिखाओ, पूरा दिखाओ। और आओ तुम मैं लैके जाना स्कैट, लैक्स की, लैक्स की पोजिशन कितना होंगी है जी, लैक्स को मजबूत करने वास्ते आप स्कैट करते हैं। आ देखो लैग प्रेस जो कहते हैं, मशीन देखो क्या बात है। लैक्स मसल वास्ते आप लैग प्रेस करनी पैंती है। ओके जी, स्टॉप करो। की नाम जी तुहाडा? दिवांशु। अले आ जाओ, कैमरे मूहरे आओ, कैमरे मूहरे आओ, इधर कैमरे इधर मूहरे। दिवांशु जी की करते तुसी, उदा की करते लाइफ विच? स्टडी करते जी। की करते? सिटी कॉलेज बीकॉम च। बीकॉम दे विच ते हेल्थ नु सेट करने वास्ते कितों दा तुसी जगह काम अपना? 1.5 साल हो गए जी करते, मैं +2 तो कर रहा हूँ। क्या बात है, बड़ा शौक है तेनों जिम करने का, की बनना चाहते जिम करके, हेल्थ में किदा करके? हेल्थ मेंटेन करना चाहते, जिदा कि हार्ट अटैक बड़ी जल्दी आ जाते, हेल्थ माड़ी होने करके, और लोग नशे वाल पै रहे हैं। इस तरह जब आप फिटनेस रखिए कि कितने बाहर जाइए तो 4 लोग पूछन, और जिदा लोगों को तुम की मैसेज देना चाहते कि जो मुंडे नशे करते हैं या वारा घूमते हैं, हेल्थ में सैट करने वास्ते आप कर सकते हैं? नशे छोड़ के जिम जाओ, घर की वजह खुराक खाओ, रोटी खाओ, दुध दही पनीर घ्यो खाओ। जरूरी है कि तुम नशे पैना, गलत पास जाना, गलत संगति से पैना है। अपना ख्याल तुम आप रखो कि माँ प्यो ने कोई 4 लोग आ कहेंगे तो मुंडा कितना वधिया पलिया है। क्या बात है, थैंक यू। तो आओ तो अगे लैके चलते आप, और बहुत ही वधिया क्वालिटी है, और पूरा आ दिखाओ जी, पूरा दिखाओ, पूरा दिखाओ, पूरा दिखाओ, आस्ता आस्ता आ जाओ अगे, आ जाओ। और देखो दिखाओ, पूरा पूरा दिखाओ, सामने दिखाओ।
ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਦੇ ਓਨਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮਿਲਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ और थोड़ी आवाज चल रही है और देखो मैं थोड़ा म्यूजिक चल रहा था म्यूजिक के बाद तो म्यूजिक हमने बंद किया तो मैं सर से लेता हूँ इनकी इंटरव्यू सर इतने आ जाओ मेरे को आ जाओ तेरे पास यार और सर जी की नाम जी तेरा अनित शर्मा अनित शर्मा बड़ी खुशी हुई तुम्हें मिल के और तेरा जो जिम घैंट है मैं कहने कहते पंजाबी घैंट तबाही पाई है जिम के बच्चे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है क्लाइमेट भी अच्छा है लेकिन लुक बहुत वधिया लोग एसिया के करते हैं जिम लेकिन एसी के जिम नहीं करना चाहिए पक्षों के जिम करते पूरी एनर्जी आँदी है पूरी पावर आँदी स्ट्रोंग बनता बंदा और तुम जरा जिम की लाइन है कि साल हो गए तुम करते हैं छे साल हो गए छे साल हो गए तो जरा कोई ले कुछ लेवल के बॉडी बिल्डर मुंडा कटिया हाँ जी किन्ने मुंडे कटे दूसरे जिम चो हमेशा पंजाब रह चुका मुंडा विनोद नाम है मुंडे का एक चंदन नाम है मुंडे का वो हमेशा जलंधर रह चुका फर्स्ट प्राइज और तुसी किस लेवल दे खेडे हैं मैं हजे बॉडी मैं सिर्फ ट्रेनिंग लाइन च मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन मतलब तुसी ट्रेनिंग लाइन दे विच आ लेकिन नहीं कीता जी ओके ओके और मतलब तुसी जड़ा जिम बनाया जिम बड़ा बढ़िया बनाया तैनू मतलब किदों दा शौक सी मैं अपना जिम खोलना शौक देखो जी जो बचपन च बंदा जिम जाता जो नवा नवा कॉलेज पास आउट करता बंदा जिम ज्वाइन करता जिम ज्वाइन किया पहले तो शौक शौक न कर लेना उसके बाद हौली हौली इंटरस्ट ज्यादा हो गया बन गया इंटरस्ट उस लाइन से अपना अगे जाने की सोचा कि उस लाइन से और मैं मुंडिया भी मिले जो मुंडे आते हैं ट्रेनिंग करने वास्ते वो बड़ी तड़ी तारीफ करते हैं कहते कोचिंग बड़ी वधिया देंगे शेड्यूल बड़ा वधिया देंगे है तुसीं शेड्यूल किदां देने है मतलब जो नवा बंदा आता है नवा जिन्हें जिम का पता ही नहीं किदां हैंडल करते हैं किदां गाइड करते कोई नवा बंदा आया ठीक है उन्होंने जो जिम का बिल्कुल जिन्हें नॉलेज नहीं हैगी अपना की होंगे पहले तीन वीक तो आप एज ए बिगनर शेड्यूल देंगे डाइट भी बिगनर्स वाली होंगी है और वर्कआउट भी बिगनर्स वाली होंगी है तीन तीन वीक मिनीमम उन्होंने चाहिए है कि उन्होंने मशीनों इंट्रोड्यूस हो पावर मुंडे दे मैं देखिया पच्ची पच्ची तीह तीह किलो डंबल चुकया शोल्डर करते हैं चेस्ट करते हैं बहुत जबरदस्त लग रहा है मेरी गल सुनो क्योंकि शरीर किसी का बनया हो तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है चाहे कपड़ा पाया हो चाहे शरीर बनया हो बंदे का बड़ा मजा आता देखो देखने भी मजा आता दूरों बंदा देख देता क्या लुक है तो क्या स्टाइल है अगर अलग लगना तो कुछ अलग करना पैना बिल्कुल सही गल है पीठ मिल जाएंगे और जो शेड्यूल तैयार करते हैं एक्सरसाइज कि तैयार करते हैं मतलब 6 डे होंगे अभी 1 वीक के बाद 6 दिन 6 दिन कि शेड्यूल करते हैं जो पहले बिगनर आया बिगनर पहले तो 1 वीक तक मिक्स वर्कआउट करवानी पड़ती है उसके बाद जो शेड्यूल बनाने बिगनर का वो तुम मैं दस दिता है कि नवा आया एक बंदा तैयार आ एक बंदा तैयार आ और ट्रेनिंग वास्ते आया तेरे को और कॉम्पीटिशन लड़ना ठीक है कॉम्पीटिशन लड़ना ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਗੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਕਆਊਟ ਪਰ ਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀਕਲੀ 7 ਡੇਜ਼ 7 ਵਰਕਆਊਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਫੇਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 1 ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਰਕਆਊਟ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡੱਬੇ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡੱਬੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡੱਬੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਆਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ
नुकसान ही है। देखो जो बॉडी नीड है, जो बॉडी डाइट चाहिए, अगर वो उसके अलावा कुछ होर ही दे जा रहा है तो बॉडी का नुकसान करेगी। कोई भी एक्सरसाइज है जी ज्यादा ओवर डोज करते हैं या वो खाने ही ले लो आप या मिठा ले लो, वो भी अपनी बॉडी को नुकसान। दावा करते हैं कि कोई भी चीज़ है बिना पूछे तो जो भी चाद खानी नहीं चाहिए नहीं लेनी। अगर तुम ट्रेनिंग देने हैं, अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट लेना है या कुछ कुछ सप्लीमेंट खाना है वो भी ट्रेनर को आके मतलब पूछे एक्सपीरियंस है इसे लाइन है ना, उन्होंने पता कि बॉडी में कहड़ा प्रोडक्ट आप सुटेबल है, कहड़ा प्रोडक्ट उन्होंने प्रोवाइड करना है, कि प्रोडक्ट ने उन्होंने रिजल्ट देने हैं। जिन्होंने नॉलेज नहीं है वो अपनी बॉडी में रिजल्ट के बजाय उन्होंने और ज़्यादा खराब कर लेगा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी मर्जी ना ले आए। बहुत खुशी की गल है, थैंक यू। और मैं जिम के आया, मैं ट्रेनर का भी मिले और उन्होंने भी मिले जेडे सप्लीमेंट खाते हैं या जो शुरू की है जिन्हें बिना गाइडनेस तो कोई चीज़ ना लाओ। गाइडनेस के नाल जी जानू ट्रेनर कहता जरा टीचर हैगा वो गाइडनेस कोई भी सप्लीमेंट लै सकते हैं देख सकते हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी फैमिली घर का खाना खाओ, अच्छा फूड खाओ, अच्छी डाइट खाओ, उही सप्लीमेंट होंगे। मैं कमल कुमार जसल टैलेंट पंजाब की टीम ना फिर मिलेगा नई वीडियो। थैंक यू।